टाइम 24 न्यूज जज्बा सच दिखाने का। गौतम बुद्ध नगर जिले में मासूम बच्चे अपने घरों में भी सुरक्षित नहीं। माँ बाप की निगाह जरा सी बच्चों से हटी नहीं कि दरिंदे उन्हें अपना शिकार बनाने से नहीं चूकते। ऐसी ही घटना थाना सूरजपुर क्षेत्र में दो अलग अलग स्थानों पर हुई। इसमें अपने घर के सामने खेल रही बच्चियों को उनके पड़ोस में रहने वाले आरोपी अपने साथ बहला फुसला कर ले गए और उनके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। परिवार वालों की शिकायत पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस की गिरफ्त में खड़े दोनों आरोपी राघवेंद्र और सुनील यादव ग्रेटर नोएडा की फैक्ट्री में सुरक्षा कर्मी के तौर पर तैनात है। सूरजपुर का ये प्रकरण है और थाना सूरजपुर के एक गांव में ये एक सुरक्षा गार्ड के रूप में नौकरी कर रहा था। वो अपने पड़ोस में रहने वाले एक बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया है। उसको हम लोगों ने तत्काल सूचना मिलने के बाद एफआईआर पंजीकृत किया और उसको अरेस्ट करके उसको हम लोग उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई कर रहे हैं। बच्ची को लालच एकदम यही बताया गया है। जो बच्ची है उसके पेरेंट्स आए थे, उनका ही कहना था कि ये पड़ोस में हमारे दो घर छोड़ के रहता है और इसने हमारी बच्ची को अपने घर बुलाया, उसके बाद दुष्कर्म करने का प्रयास किया। जो बातें हैं वो हमारे द्वारा जो महिला कांस्टेबल के द्वारा जो इनिशियली चेक कराया गया उसमें सही पाई गई और हम लोगों ने उसके खिलाफ अभियोग पंजीकृत करके कार्रवाई कर रहे हैं। SP ग्रेटर नोएडा ने बताया कि घटना सूरजपुर थाना क्षेत्र के गांव में घटित हुई और परिवार वालों ने शिकायत की थी कि उनके घर से दो घर छोड़कर आरोपी रहता है और दोपहर में जब बच्ची खेल रही थी आंगन में तभी उसने बहला फुसलाकर अब बच्ची को अपने साथ ले गए और उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। बच्चे के रोने पर लोग वहां पहुंचे और आरोपियों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। SP ने बताया कि बच्चियों के परिवार वालों की शिकायत पर पुलिस ने जांच में घटना को सही पाया और आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कर दोनों को जेल भेज दिया। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ भूपेश प्रताप, टाइम 24 न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।